14 फरवरी के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। यह हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। इसी कड़ी में दिल्ली के एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में मंगलवार सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश भर के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पूर्व अर्ध सैनिक और उनके परिवार शामिल हुए। एक्स पैरामिलिट्री अध्यक्ष PS सिंधु ने कहा कि देश के लंबी सरहदों की सुरक्षा का भार BSF, ITBP, SSP और आसाम राइफल्स के मजबूत कंधे हैं। राज्यों में स्थानीय पुलिस प्रशासन को राज्यों की कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद, समय समय पर चुनाव व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, लेकिन सरकार हक के लिए कुछ नहीं कर रही। आज जंतर मंतर में हम पूरी पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी इंडिया के रिटायर्ड पर्सनल है या हमारी माता बहनें आज आई हैं, इसका ये मकसद है कि जो 40 CRPF के जवान 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उनकी शहीदी के ऊपर आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उसके साथ ही हम जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आज तक शहीद हुए हैं उन सभी को भी हम आज श्रद्धांजलि देंगे। और इस श्रद्धांजलि समारोह के बाद हम गवर्नमेंट को एक बेनती करेंगे कि शांतिपूर्व धरना देंगे। हम गवर्नमेंट से यह कहते हैं, अगर आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया है तो पैरामिलिट्री फोर्स में क्यों लागू नहीं किया गया है? हमारे से इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। वहीं OPC चौहान तेलंगाना असिस्टेंट ने कहा कि यह लड़ाई एक्स पैरामिलिट्री की है, हमारी सरकार से कई मांगे हैं। देश में पैरामिलिट्री फोर्स भी वैसे ही कार्य करती है जैसे अन्य बल। सेना झंडा दिवस कोष की तर्ज पर अर्ध सेना झंडा दिवस कोष की स्थापना की जाए। 11 जनवरी 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाली के हक में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसलों को लागू किया जाए। हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी रिटायर्ड जवान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं, सभी आना संभव नहीं था और उनको एक मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उनके साथ साथ जो अन्याय पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ भी एक आक्रोश है हमारे साथियों में, सभी में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। और ये देखिए, एक जवान 25 साल तक जवान ही रहता है, उसके लिए कोई प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं है। एक एक इंस्पेक्टर जो CISF में देखता हूँ 20-21 साल से CISF का इंस्पेक्टर ही पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई प्रमोशन नहीं है, उसको कौन देखेगा? ये सारी मांगे जो हैं वाजिब मांगे हैं, सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि कृपया इसकी तरफ ध्यान दें, सुनें और उसके ऊपर अमल करें। एक्स पैरामिलिट्री जनरल सेक्रेटरी रणवीर सिंह ने कहा कि सरहद की चौकीदारी पूरे देश में CRPF, SSP, ITBP के जवान कर रहे हैं। PM हमारे साथ दिवाली मनाते हैं लेकिन पेंशन नहीं देते, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया इन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी पेंशन दी जानी चाहिए। इस फैसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि बड़ी संख्या में मौजूद आने वाले चुनाव में साथ नहीं देंगे। आज आप देख रहे हैं केरला से कश्मीर तक वेटरन्स आए हैं। सवाल ये है कि सरहद की चौकीदारी हम कर रहे हैं, BSF, ITBP, SSB, CRPF के जवान पूरे देश में। गंभीर सवाल है, प्रधानमंत्री जी आप हमारे साथ दिवाली मनाते हैं, अच्छी बात, लेकिन पेंशन नहीं है, गंभीर सवाल। अब पैरामिलिट्री परिवार जागे हैं, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट 11 जनवरी को, कि इन जवानों को पेंशन मिलनी चाहिए। और हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ लाखों निगाहें हैं कि वो बनंजा दें, होली का बनंजा। बहरहाल एक्स पैरामिलिट्री सैनिकों ने बताया कि 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की निगाहें देश के PM की ओर लगी हैं। उम्मीद है कि होली के शुभ अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली की ऐतिहासिक घोषणा की जाए। रिया राय, टोटल TV, दिल्ली।